था, नोट्स दिए आप लोग। वर्ष में कारण ये है कि विगत पता है, लेकिन जब तक उसकी व्याख्या तो रिपीट भी होगा। होगी, हो सकता है पर मैं ऐसा प्रश्न है, तो जुड़े रहिए और ये प्रश्न आए हुए हैं उसको हम हल कराने जा रहे हैं। जैसे कि इसमें दिया है कि ये क्वेश्चन पूछा गया, यह है कि हाथी के दांत का पैमाना कहाँ पर प्राप्त हुआ। दिया है कालीबंगा, दिया कल, दिया दिया, दिया। तो हाथी के दांत का पैमाना बात करें, अब कालीबंगा से क्या मिला था, काले रंग की चोटी थी, तो वो कालीबंगा से क्या मिला, काले रंग की चोटी। जुटे हुए खेत के साथ क्या मिले, कालीबंगा से मिले। भूकंप के साथ कहाँ मिले, तो कालीबंगा से मिले। कहाँ पर है, तो राजस्थान में है ना, हनुमानगढ़ जिले, तो घग्गर नदी के तट पर है, तो याद रखना। दूसरी चीज, दो फसलों के एक साथ उगाने के साथ कहाँ से मिला, काली। चौथल से, यानी कि बंदरगाह के साथ मिला। दरवाजे खिड़की जो थे सड़क की ओर खुलते, अन्य जगह क्या था, गली की तरफ खुलते। धोलावीरा सबसे साफ सुथरा था, ठीक है। ये कहाँ पर है, गुजरात में है, यह भी गुजरात में है। बनवाली, बनवाली में क्या था, पाली में एक हल मिला, ठीक है। तो हल पहली बार कहाँ से मिला, बनवालीस मिला। अच्छे किस्म के जौ के साथ क्या मिले, तो बनवालीस मिले। अगला क्वेश्चन कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था, तो यहाँ 305 ईसा पूर्व, 317 ईसा पूर्व, 15 ईसा पूर्व, 300। तो याद रखना 305 ईसा पूर्व में पराजित किया, ठीक है। 305 ईसा पूर्व में जब सेल्यूकस को पराजित किया, पराजित करने के बाद इसने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया। कहा जाता है चार प्रांत भी इसने दहेज में दिए थे और चंद्रगुप्त मौर्य ने भी इसको हाथी हाथी वगैरह दिए। तो कहा जाता है ये कि एक विदेशी व्यक्ति को सबसे पहले किसने हरा दिया, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य वास्तव में एक महान शासक हुए और ये इनने जो शिक्षा ग्रहण की थी किससे की थी, तो कौटिल्य से। कहाँ पर ग्रहण की थी, तक्षशिला में, यानी कभी कल्पना नहीं की थी कि हम एक राजा बनेंगे, और यही हुआ। बाद में एक ऐसे राजा जो तो बहुत बड़े भूभाग शासक देखे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई कि द्युति बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी, वैशाली में हुई थी, उसका समय क्या था, ये पूछा जाता है। तो यहाँ समय पूछा गया, तो 385 ईसा पूर्व, 485 ईसा पूर्व, 185 या 490, तो 385 ईसा पूर्व में हुई। चार बौद्ध संगीतियां हुई थी, हार, पी, के, यानी कि राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, कश्मीर, चार बौद्ध संगीतियां हुई थी, याद रखना, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, किस बौद्ध संगीत में हीनयान महायान दो भागों में विभाजित हो गया था, तो दो भागों में विभाजित कब हुआ, तो ये कुंडलवन कश्मीर, यानी कि चौथी में, तो चौथी कहाँ भी, कुंडलवन कश्मीर में भी थी। यहीं पर हीनयान और महायान दो भागों में विभाजित हुआ और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था, वसुमित्र कर रहे थे। कौन कर रहा था, वसुमित्र कर रहे थे, ठीक है। उपाध्यक्ष कौन था, तो अशुघोष उपाध्यक्ष था। ये भी क्वेश्चन आ गया है, अशुघोष के उपाध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, क्या दिया है कि सिंधु घाटी का कौन सा नगर जो दुर्गीकृत नहीं था, मात्र एक नगर जो दुर्गीकृत नहीं, चनोदुड़ो, लोथल, मोहनजोदड़ो, रंगपुर। देखो तो चनोदुड़ो जो था ये दुर्गीकृत नहीं था, तो आंसर यही सही हो जाए। लोथल दुर्गीकृत था, मोहनजोदड़ो दुर्गीकृत, रंगपुर दुर्गीकृत थे, ठीक। अगला क्वेश्चन, काशी की बैलगाड़ी कहाँ से मिली है, तो ये दिया लोथल, दिया है मोहनजोदड़ो, दिया है कालीबंगा, चनोदड़ो दिया है,
याद रखना, चौनों दौड़ों से कांसे की गाड़ी मिली थी। ठीक, लोथल से हमने बताया चालाक लोमड़ी के साच भी मिले हैं, बंदरगाह मिला है, फारस की मोहर भी मिली है, दो मंजिला इमारतें मोहनजोदड़ो से मिली हैं, और कांसे की नृत्य करते हुए मूर्ति मिली है, बाजार व्यवस्था के साक्ष मिले हैं, सर्वाधिक बड़ा स्नानागार मिला, अन्नागार मिला, कालीबंगा हमने बताया, यहाँ से काले रंग की चूड़ियाँ, सुहाग नगरी के नाम से प्राचीन काल में था ये, वर्तमान में पूछा जाए सुहाग नगरी से आबाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिंध घाटी का कौन सा स्थल जहाँ मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया गया है, यानी सिंध घाटी में एक ऐसा स्थान जहाँ मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया गया है, तो याद रखना रोपड़ दिया, कालीबंगा, धोलावीरा, लोथल, तो ऐसा स्थान रोपड़ में था, रोपड़ है कहाँ, तो ये पंजाब में था, यानी कि कोई कुत्ता होगा जो पालतू था, जब मालिक मरा है तो कुत्ता भी उसी के साथ दफनाया गया, यानी वो भी खत्म हुआ। तो कनिष्क के रबातक अभिलेख में किस नगर का उल्लेख नहीं हुआ है, तो यहाँ श्रावस्ती दिया है, कौशाम्बी दिया, पाटलिपुत्र दिया, चंपा दिया, तो देखो ये सब यानी कि एक का नहीं हुआ तो श्रावस्ती का नहीं हुआ था, कौशाम्बी का हुआ था, पाटलिपुत्र का हुआ, चंपा का हुआ। श्रावस्ती की राजधानी कौशल, कहाँ की राजधानी थी ये, कौशल की, और कहा जाता है कि सर्वाधिक उपदेश महात्मा बुद्ध ने श्रावस्ती में दिए थे, ये भी याद रखना। और दो धर्मों से संबंध रखने वाला कौन था, तो कौशाम्बी यानी कि जैन और बौद्ध, दो धर्मों से संबंध रखता था। पाटलिपुत्र राजधानी किसने बनाई थी, तो उदयन ने बनाई थी, किसने बनाई थी, उदयन ने। किस धर्म का था ये, मतलब किस वंश का था, तो हर्यक वंश का था, क्षत्रिय था, हर्यक वंश का, तो हर्यक वंश का था। उसी चंपा नरेश को पराजित किसने किया था, तो भीमसार ने किया, पराजित करके उसको अपने राज्य मिला लिया था। अगला क्वेश्चन, चंपा महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, देखो वही क्वेश्चन आया, तो अंग है, मगध है, वज्जी है, कौशल है, तो अंग चंपा की राजधानी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस सुल्तान ने गढ़ मुक्तेश्वर मस्जिद की दीवारों पर ये शिलालेख पर लिखवाया कि मैं खलीफा का शायक हूँ, तो ऐसा किसने लिखा है, तो बलवंत दिया, कैकुबाद दिया, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, तो याद रखना ऐसा लिखवाने वाला बलवंत था। बलवंत जो है किसका, यानी कि कहा जाए दास था, तो इल्तुतमिश का था, कभी इल्तुतमिश भी दास था, वो किसका था, तो ऐबक का था, है ना, लेकिन दासता से इल्तुतमिश को मुक्ति मिल जाती है, वो कौन देता है, तो गौरी देता है, ये याद रखना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, अब कैकुबाद को याद रखना कि कैकुबाद के समय कहा जाता है दिल्ली सल्तनत की गलियां गूंजा करती थी, मतलब सबसे ज्यादा संगीत में प्रेम था। जलालुद्दीन खिलजी, तो जलालुद्दीन खिलजी की हत्या किसने करवा दी थी, उसके भतीजे ने करवाई, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने करवा दी थी, और कहा जाता है बाजार व्यवस्था किसने चालू की, तो अलाउद्दीन खिलजी ने चालू की थी। अगला क्वेश्चन, किस संत का मत था दैतवाद के नाम से जाना जाता है, यानी कि एक ऐसे संत थे जिनका जो मत था दैतवाद, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, निमकाचार थे, रामानंद थे, चैतन्य थे, या दादूदयाल, तो याद रखना दैतवादात का संबंध निमकाचार से था। ये कहाँ से थे, तो ये दक्षिण भारत में थे, कहाँ पर थे ये इनका निवास स्थान, तो दक्षिण भारत यानी कि कर्नाटक में। ठीक है, अगला, किस संत का शुद्धा दैतवाद से संबंध था, ये दोनों क्वेश्चन बहुत पूछे गए, तो ये रामानुज दिया है, वल्लभाचार्य दिया, शंकराचार्य दिया, रामानंद दिया, तो यहाँ पर जरा ध्यान देना कौन होगा, ऑप्शन ए है, तो यहाँ पर याद रखना बल्वाचार से, बल्वाचार। ठीक, दूसरा, भारत का मात्र एक यहूदी गवर्नर कौन था, ये पीसस में दो बार आया, समीक्षा अधिकारी में आया है, और हो सकता है कि इस बार भी ये आने के चांस है, क्योंकि बहुत पहले पूछा गया था, तो अब ये आने का चांस है, तो इसके याद रखना लॉर्ड कर्जन दिया है, लॉर्ड रिपन दिया, लॉर्ड रीडिंग दिया, लॉर्ड डलहौजी दिया, तो यहूदी के शब्द रीडिंग से जोड़ दो, यानी पढ़ाई से जोड़ दो, यहूदी लोग पढ़ाई लिखाई, यानी किससे हो जाएगा, लॉर्ड रीडिंग से हो जाएगा, ये क्वेश्चन सही है। लॉर्ड कर्जन के विषय में जान लो, इसको लॉर्ड कर्जन को औरंगजेब से तुलना की गई है, तो
बहुत कट्टर था, बंगाल विभाजन इसी समय हुआ था, रेलवे के सर्वाधिक विस्तार लॉर्ड कर्जन के समय, लॉर्ड रिपन कौन था इसके समय, जनसंख्या नगरीकरण यानी कि जनसंख्या नगरी जनगणना की शुरुआत हुई थी यानी कि स्थायी जनगणना, 10 वर्षीय जनगणना किसके समय, तो लॉर्ड रिपन के समय। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी इसके विषय में जान लो कि हड़प की नींव, रेलवे लाइन है ना, डाक व्यवस्था सब इसी की देन थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, केरल में प्रथम साम्यवादी सरकार का गठन हुआ था। अब देखो केरल में साम्यवादी पहली सरकार बनी कब, 1957, 53 में, 64 में या 60 में, तो 1957 में, क्वेश्चन याद रखना। अगला क्वेश्चन कि ख्वाजा मुनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है, तो दिल्ली दिया है, आगरा दिया, अजमेर दिया, कश्मीर दिया, तो मुनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है वो अजमेर में है। ठीक है, कहाँ पर है, अजमेर में है। मोहम्मद गौरी के समय ये आए हुए थे भारत और कहा जाता है काफी समय तक रहे, और बाद में इनकी जो कब्र है यानी कि दार है अजमेर में, वहीं पर स्थापित की गई वहीं पर। अब अगला क्वेश्चन, देश का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन हो गया है यानी कि अभी हो गया है पहले नहीं था, तो यह दिया है श्री सिद्ध रूड़ा स्वामी जी हुबली, श्री शंकरा जी स्वामी केरल, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, इको फ्रेंडली ग्रीन कैंपस रेलवे। तो ये कहाँ पर बना भी है, तो श्री सिद्ध रूड़ा स्वामी हुबली, और ये कहाँ पर है, तो कर्नाटक में है। कहाँ पर, कर्नाटक में। इसके पहले कौन था, तो गोरखपुर, ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में था। ठीक है, समझ गए, तो अब लेकिन वर्तमान में इसको लगा के आना, ये करंट का क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कि देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस कौन सी है, इंडस्ट्रीज है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज जो कंपनी बनी है इसके बाद कौन है, यानी कि वर्तमान नंबर एक पर तो रिलायंस हो जाएगी, नंबर दो पर कौन होगा, तो इंफोसिस है, आईटीसी है, टाटा कंसल्टेंसी है या एचडीएफसी, तो याद रखना दूसरे नंबर पर टाटा हो जाएगी, और तीसरे नंबर पर कौन हो जाएगी, एचडीएफसी हो जाएगी, यह चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन, कौन सी बैंक जो सबसे मूल्यवान बन गई है, देखो याद, फिर आ गया क्वेश्चन, तो एच डी एफ सी दिया, बंधन दिया, आईसीआईसीआई बैंक दिया, पीएनबी दिया, तो सबसे मूल्यवान एच डी एफ सी हो गई। ठीक है, तो कौन सी हो गई, एच डी एफ सी। अगला क्वेश्चन कि विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, देखो तो विश्व की सबसे अधिक पॉपुलेशन अब कौन सी हो गया है, यानी कि चीन दिया, भारत दिया, अमेरिका दिया, इंडोनेशिया, तो याद रखना कि चीन को पीछे किसने किया, भारत ने। अब नंबर एक पर कौन हो गया, भारत, यानी कि अब इस समय भारत नंबर एक, चीन दूसरे पर, और यूएसए तीसरे पर, इंडोनेशिया चौथे पर, और इसके बाद उत्तर प्रदेश का आता है, फिर इसके बाद पाकिस्तान आता है, चीज याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है। भारत की आसियान का पांचवा शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, दिया है भारत दिया, चीन दिया, यूएसए कुआलालंपुर दिया, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, नया क्वेश्चन करंट का आ सकता है। आकाश, आकाश का समझौता किन देशों के बीच हुआ है, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका, बी में दिया भारत, यूएसए, ब्रिटेन, सी में दिया भारत, चीन, रूस, और डी में दिया है भारत, यूएसए, जापान। तो इसमें हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका के बीच हुआ है अक्काश, ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन, विश्व का पहला ऐसा देश जो CO2 को समुद्र में दफनाने वाला पहला देश बन गया, यानी कि CO2 गैस को समुद्र में दफनाने वाला पहला ऐसा कौन सा बन गया, तो यूएसए दिया, जापान दिया, डेनमार्क दिया, भारत, तो याद रखना डेनमार्क हो जाए। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट यानी कुशलता, खुशहाल 20 मार्च 2023 को जारी की गई है, इसमें पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो फिनलैंड दिया है, डेनमार्क दिया, आइसलैंड दिया, भारत दिया, तो फिनलैंड याद रखना, कौन है, फिनलैंड है, फिर इसके बाद डेनमार्क आएगा, फिर आइसलैंड आएगा, यानी पहले नंबर पे ये है, दूसरे नंबर डेनमार्क, तीसरे नंबर आइसलैंड है। ठीक है।
क्वेश्चन, देश की पहली वाटर मेट्रो सेवा केरल के कोच्चि शहर में प्रारंभ की गई है, कब की गई? अब मेट्रो, वाटर मेट्रो यानी कि समुद्र में ऐसा किया गया, वाटर यानी कि समुद्र में अब यहाँ मेट्रो रेल बिछाई जा रही है, यानी कि देखो वहां पर ऐसा करने, ये कब? तो 25 अप्रैल 2023, 10 अप्रैल 2023, 11 अप्रैल 2022 या 20 अप्रैल 2023? 25 अप्रैल याद रखना। अगला क्वेश्चन, भारत की अभी हाल में 13वीं महारत्न कंपनी का दर्जा किसे मिला है? ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि अभी हाल में हुई है, तो OIL दिया है, REC दिया है, SPCL दिया है, BPCL दिया है, तो OIL दिया है, ये क्वेश्चन राइट है। अगला क्वेश्चन, गंगा गांधी शांत पुरस्कार 18 जून 2023 को किसे प्राप्त हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन, करंट का आ सकता है, गीता प्रेस, ज्ञान भारती, नेशनल मंडेला, इनमें से कोई नहीं, तो गीता प्रेस को दिया गया, और इसमें 1 करोड़ रुपया दिया जाता है, राशि कितनी है? 1 करोड़, यानी कि 1 करोड़ पुरस्कार दिया जाता है, ठीक। और किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित हुआ? देखो पूर्ण स्वराज की बात कर रहा है, तो लाहौर अधिवेशन है, कलकत्ता अधिवेशन है, कानपुर है, बेलगांव, तो याद रखना लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, और इसी समय हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाने की बात रखी कि अब 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाएंगे। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया, अपनाया गया? तो कलकत्ता अधिवेशन 1906, बंबई अधिवेशन 1910, कलकत्ता अधिवेशन 1917, लाहौर अधिवेशन 1929। तो याद रखना कि लाहौर अधिवेशन जो है ये यहाँ पर, यानी कि सबसे पहले देखो याद रखना स्वराज शब्द की बात है, तो कलकत्ता अधिवेशन 1906, यानी कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई। और एक चीज याद रखना कि इनकी जो अध्यक्षता तो इनने की थी अध्यक्ष, लेकिन इनका भाषण किसने पढ़ा था? ये कई बार क्वेश्चन आया, भाषण किसने पढ़ा था? तो गोखले ने, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण, जो गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे, ठीक है, इनने भाषण पढ़ा था। और स्वराज शब्द सबसे पहले कब लिया, कहाँ से लिया गया था? तो याद रखना ये दयानंद सरस्वती बात है, दयानंद सरस्वती स्वराज शब्द से पहले उन्हीं के शब्द आने के लिए, तो ये भी और यहाँ पर प्रयोग किया गया, ठीक। महात्मा गांधी जी ने किस अधिवेशन में कहा था कि गांधी मर सकते हैं पर गांधीवाद जिंदा रहेगा? कराची अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन। तो याद रखना ये कराची अधिवेशन में इन्होंने ऐसी बात रखी थी 1931 में, एक कराची अधिवेशन में ये बात कही थी कि गांधी तो मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, महक परी की उपाधि किसको दी गई थी? जीनत महल दिया, बेगम हजरत महल, रजिया सुल्तान, नूरजहां। तो जीनत महल ये कौन थी? बहादुर शाह द्वितीय पत्नी थी, बेगम हजरत महल वाजी की ब्रिजिश माँ, ब्रिजिश कादिर की माँ थी, ठीक है, और वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह की पत्नी थी, याद रखना वाजिद अली शाह की पत्नी थी, ठीक, इसी ने ये उपाधि दी थी। रजिया यानी अल्तुनिया की पत्नी थी, नूर जहां जहांगीर यानी कि जहांगीर की पत्नी थी, तो इसको ये आंसर राइट होगा। तो आज इतने क्वेश्चन रखते हैं, ये क्वेश्चन देखना, हो सकता है यहाँ से आपको क्वेश्चन सेम बिल्कुल मिल जाए रखे हुए, तो हमारा प्रयास यही है कि आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे करवाएं, जिससे कि आप लोगों को शिक्षा अधिकारी में सेम डिटो प्रश्न भी मिले और सफलता प्राप्त करें। तो रहिए NKS लर्निंग कैंपस से, और बराबर आप लोगों को पेपर हम लोग करा रहे हैं, कल पुनः मिलते हैं नए वीडियो के साथ में।